छत्तीसगढ़ के बलौदा की विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट जोन में चल रही है। जगह जगह दबिश देती हुई पुलिस भी नजर आ रही है। इसी बीच बलौदा बाजार की सिमगा में पुलिस ने बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर से जुआ खेलते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से तकरीबन 11 लाख नकदी समेत मोबाइल और दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। सभी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,87,062 रुपये नकद समेत दो कार और बाइक, इसके अलावा 26 मोबाइल भी जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ में जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बड़े जुए की जानकारी मिल रही थी और इसमें हम लोगों ने पूर्व में भी प्रभारियों के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे और कल फिर पुनः एक बार इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई मुझे से, तो फिर हम लोगों ने इस बार थोड़ा प्लानिंग चेंज करते हुए उन लोगों ने एक समिति टीम बनाया है जिसमें कि हरबंद थाना प्रभारी श्री अजय झा और उनके स्टाफ और साथ में सिमगा थाना प्रभारी है मंजिता उनके स्टाफ, दोनों समिति टीम बनाकर हम लोगों ने जो ब्राह्मण पारा जहाँ पर शिकायत मिल रही थी वहाँ हम लोगों ने दबिश दिया। पहले जो भी गेट थे सभी गेट हम लोगों ने अपने आदमी लगा करके फिर शादी वेशभूषा में जाकर हम लोगों ने वहाँ पर रेड किया। रेड करने के पश्चात जैसा कि संभावित था वहाँ पर हम लोगों ने 24 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है, जिसमें से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 10,87,062 रुपये बरामद हुए हैं जिसको जब्त किया गया है। साथ में उनके पास मोबाइल था उसको भी फिलहाल जब्त किया गया। 26 मोबाइल जब्त हुए हैं, दो कार एक बाइक वो भी थाना हम लोग लाए हैं जब्त करके और इसमें 13 जो है उसके तहत कार्रवाई